वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम सब पास्ट परफेक्ट टेंस को ठीक से समझेंगे। इसके तहत हम पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन, पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका स्ट्रक्चर, हम हिंदी के पास्ट परफेक्ट टेंस को किस स्ट्रक्चर के आधार पर इंग्लिश में चेंज करते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, फोर रूल्स ऑफ यूज, पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज करने के चार तरीके भी हम पढ़ेंगे, और यह लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए, बतलाने के लिए जो कंप्लीट हो गया है, पास्ट एक्शन को बतलाने के लिए जो कंप्लीट हो गया है। और फिर बोल रहा है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगिन, दूसरे पास्ट एक्शन के शुरू होने के पहले ही, और ब्रैकेट में लिखा है पास्ट इन द पास्ट। इसे समझते हैं थोड़ा। देखिए अभी जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम आज बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो हम आज क्या होगा, आज होगा प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे हैं इन चारों के बारे में, जो भी होगा पास्ट परफेक्ट का सबसेट होगा इस एग्जाम्पल पे। तो प्रेजेंट टाइम में हम जब बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग निकालते हैं पहले। राम हैड बॉट अ न्यू कार, राम एक नई कार खरीद चुका था, राम एक नई कार खरीद चुका था। प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे हैं राम के बारे में, तो हम कह रहे हैं कि राम एक नई कार खरीद चुका था। तो इस हिंदी से आपको बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि पास्ट में ही काम कर चुका था, लेकिन इतना पास्ट लग रहा है खरीद चुका था, राम ने नई कार खरीदा नहीं, राम नई कार खरीद चुका था और राम ने नई कार खरीदा, दो सेंटेंस अगर हम बात करें तो राम ने नई कार खरीदा भी पास्ट में है और राम नई कार खरीद चुका था भी पास्ट में है, लेकिन राम नई कार खरीद चुका था अधिक पास्ट में है और राम ने नई कार खरीदा अभी प्रेजेंट के थोड़ा सा पीछे सा प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए जो टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यह इसे कहते हैं पास्ट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में भी पास्ट बहुत पहले कंप्लीट हुआ रहता है, और इतना पहले हुआ रहता है कि जब हम बात करते हैं तो बात करने से पहले और इस कंप्लीट कार्य के पहले भी कुछ कार्य पास्ट टाइम में जरूर हुआ रहता है। तो यही बोल रहा है कि पास्ट एक्शन को बतलाने के लिए, कंप्लीटेड पास्ट एक्शन को बतलाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, और बिफोर अनदर, और फिर साथ में दूसरा भी पास्ट एक्शन स्टार्ट हुआ होता है, यह भी उसमें स्पष्ट सा दिखता है। जैसे कि नई कार खरीद चुका था, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उस आज बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वह तो 10 साल पहले, ऐसे 10 साल पहले लिखा नहीं है नई कार खरीद चुका था, 5 साल पहले प्रॉपर्टी खरीद चुका था और आज वह बहुत अमीर है। हाँ, तो राम की कहानी पढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट में भी पास्ट होता है, मतलब वो बहुत पहले कंप्लीट हुआ रहता है और उस कंप्लीशन के बाद भी और प्रेजेंट के बीच में भी कुछ कार्य हुए रहते हैं, या कम से कम एक कार्य हुए रहते हैं, तब भी हम जो बात करते हैं वह पास्ट परफेक्ट में करते हैं, अदरवाइज हम किसी और टेंस में, पास्ट के किसी और टेंस में बात करते। तो यहाँ पे मीरा हैड कुक्ड फूड, मीरा फूड कुक कर चुकी थी, सीमा हैड गोन आउट, सीमा बाहर जा चुकी थी, और आई हैड पास एंट्रेंस, मैं एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुका था, मैं एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुका था पास्ट टेंस में, और पास करने के बाद मैंने एडमिशन लिया था, और फिर आज प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ कि आज तो मैं एक डॉक्टर हूँ, एग्जाम्पल, हाँ आज तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुका था, देन एडमिशन लिया एंड फिर आज डॉक्टर हूँ। तो इस तरह से जो पास्ट परफेक्ट का होता है बहुत पहले हुआ होता है, इसलिए से कहते हैं पास्ट इन द पास्ट, और उस होने, उस कार्य के हो चुकने के बाद और आज जब हम बात करते हैं उस बीच में भी कुछ कार्य हुए होते हैं, ऐसा इसके हिंदी मीनिंग से स्पष्ट होता है, इसलिए इसे कहते हैं पास्ट इन द पास्ट, और यही डेफिनेशन है। आगे पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन में हिंदी वाक्य
क्रिया के अंत में होना चाहिए, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या क्या होना चाहिए? चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा आ था, ई थी, ये थे। आ था कैसे होता है? देखिए यहाँ पे इसमें पहले तो देखिए चुका था ऊपर, दूसरा चुकी थी, और तीसरा यहाँ पे चुके थे। तीनों में से कोई एक रहना चाहिए। फिर अगर वो नहीं है तो आ था, यहाँ पे देखिए लिखा, अगर लिखा का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो यह होता है ल, छोटी ई, ख और आ, अंत में आ है, यहाँ पे आ और फिर था, ये हो गया आ था। इधर भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो बड़ी ई हो जाएगा तो ई थी, और फिर यहाँ पे ए रहेगा तो ए थे। तो क्रिया का अंत में क्या रहेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा आ था, ई थी, ये थे। जैसे मैंने लिखा राम पत्र लिख चुका था, राम ने पत्र लिखा था, दोनों एक ही है, इसमें डिफरेंस नहीं है। चुका था रहेगा चाहे आ था रहेगा, चुकी थी रहेगी चाहे चुकी थी रहेगी चाहे ई थी रहेगी, चुके थे रहेगा चाहे ए थे रहेगा। ये ध्यान रखेंगे, यह है आइडेंटिफिकेशन का नियम। हिंदी में सेंटेंस रहेगा तो आप पहचान सकते हैं, या इंग्लिश के सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे तो ऐसा ही मीनिंग आपको निकालना चाहिए। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने उसका आइडेंटिफिकेशन देख लिया। अब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बनावट। बनावट क्या होती है कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में किस रूल से कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आप जानते हैं सारे टेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसको तो समझने की जरूरत हमें बिल्कुल समझ में रहता है कि पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आता है, केवल एक वर्ड है, दैट इज हैड। और इधर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे लिखना है तो आप जानते हैं राइट का पांच फॉर्म होगा, किसी भी वर्ब का पांच फॉर्म होता है, राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, इसका थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर इसका फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, जो होता है उसमें ing, और फिफ्थ फॉर्म में वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर रूप में होता है, तो ये राइट्स। पहला फॉर्म तो प्लूरल होता है और पांचवा फॉर्म सिंगुलर होता है, आप जानते हैं। तो पांच फॉर्म हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, और हमेशा तीसरा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी वर्ब होगा। तो यहाँ जितना एग्जाम्पल मिलेगा वहां पे लिखा लिखना मिलेगा वर्ब, तो हम रिटेन का प्रयोग करते चले जाएंगे। तो देखिए राम ने पत्र लिखा था, तो क्या होगा, राम, राम होगा, राम के बाद हम डालेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर लिखा था तो हो जाएगा रिटेन, और पत्र है तो और लेटर, राम हैड रिटेन अ लेटर। सीता पत्र लिख चुकी थी तो ये हो जाएगा सीता, हैड यहाँ भी रिटेन, और फिर और लेटर भी होगा। वे लोग पत्र लिखे थे तो वे लोग के लिए दे होता है, हैड तो सबके लिए आता है, V3 तो आएगा ही रिटेन, और वे लोग थे तो एक पत्र तो लिखेंगे नहीं, तो इनको कर देते हैं लेटर्स, दे हैड रिटेन लेटर्स। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के अनुसार तीन सेंटेंसेस को हमने चेंज करके दिखाया आपको कि कैसे इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अब यूज का, पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज का चार रूल्स पढ़ रहे हैं हम, उसमें पहला रूल है, हमेशा पहला रूल जो होता है, जो डेफिनेशन होता है वही पहला रूल होता है। तो पहला रूल इसमें है कि वही पास्ट एक्शन को बतलाने के लिए जो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद भी दूसरा एक्शन हुआ होगा, इसको बतलाने के लिए हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, जो हमने डेफिनेशन में देखा वही वाला। बिमल हैज विजिटेड आगरा, बिमल आगरा जा चुका था। श्लोक हैज रिटन अ नोवेल, श्लोक ने एक उपन्यास लिखी थी। प्रतीक हैड फिनिश्ड हिज वर्क, प्रतीक अपना काम कर चुका था। अमृता हैड चेक्ड हर मेल, अमृता अपना मेल चेक कर चुकी थी। ये सब जो एक्शन हो रहा है बहुत पास्ट में हो रहा है, इतना पास्ट में कि उसके बाद भी कोई एक्शन हुआ सा प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं।
तो जो डेफिनेशन का पार्ट था उसी को पहला यूज रखा हुआ है, इसको वहीं से कनेक्ट करके वैसे जैसा समझा वैसा ही समझ करके आगे बढ़ रहे हैं हम। और दूसरा रूल पढ़िए ध्यान से। दूसरा रूल में क्या है, पास्ट टेंस के एक सेंटेंस में, पास्ट टेंस के एक सेंटेंस में, मतलब जो सेंटेंस का टेंस होगा पास्ट का कोई भी होगा एक सेंटेंस में, यहाँ पे देख लीजिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ये जो जो है सेंटेंस, यह पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस के एक सेंटेंस में दो एक्शन अगर होता है, दो एक्शन मतलब दो कार्य होता है, दो कार्य का मतलब दो वर्ब रहता है, तो यहाँ पे स्टार्टेड है और इधर रीच्ड है, दो वर्ब है, पास्ट टेंस का एक सेंटेंस हो गया, इसमें दो वर्ब है, दो वर्ब रहता है, तो दो वर्ब रहता है, तो इसमें जो सेकेंड एक्शन होता है वह सेकेंड एक्शन फर्स्ट एक्शन के कंप्लीट होने के बाद होता है, आफ्टर कंप्लीशन, फर्स्ट एक्शन के कंप्लीट होने के बाद होता है। समझते हैं इसे, देखिए इसमें दो एक्शन पहले पहचानते हैं कौन कौन सा, दो वर्ब है तो दो एक्शन तो होगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन चली गई थी, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, तो ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, मतलब स्टेशन पे पहुंचा उससे पहले ट्रेन चली गई थी, तो पहला एक्शन हो गया ट्रेन चली गई थी, दूसरा एक्शन हुआ स्टेशन पर पहुंचने का, तो यह एक पास्ट टेंस है। इस सेंटेंस में दो एक्शन है, दो एक्शन में एक एक्शन पहले हो रहा है और दूसरा एक्शन बाद में हो रहा है, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट एक्शन के कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन टेक प्लेस होता है, घटित होता है। यहाँ पे हुआ, मैं ट्रेन चली गई फिर मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहला के पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा घटित हुआ। इसमें जो पहला एक्शन होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पहला एक्शन को, और जो दूसरा एक्शन होता है सेकेंड एक्शन उसे सिंपल पास्ट में, जो दूसरा एक्शन होता है, दूसरा पहला एक्शन के सामने एक और दूसरा एक्शन के सामने दो, तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में तो एक एक, इधर भी वन और यहां भी वन, दूसरा एक्शन एक्शन सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट में दो दो, मतलब क्या हुआ, अब देखिए पहला एक्शन रहेगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा एक्शन रहेगा सिंपल पास्ट में, कब, जब पहला एक्शन कंप्लीट हो गया है तब, तो यहाँ पे हो गया ना, ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो पहला एक्शन हो गया ट्रेन जाने का, तो पहला एक्शन देखिए हैड स्टार्टेड, हैड वी थ्री है, पहला एक्शन है ना पास्ट परफेक्ट में, दूसरा एक्शन है यहाँ पे सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट के बाद वी टू का प्रयोग कर दिया है, कोई हेल्पिंग वर्ब डाला नहीं है, और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वी टू है सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा, आई हैड मेट राम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, आई हैड मेट राम, मैं राम से मिल चुका था, बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, उसके दिल्ली जाने से पहले। तो आप बताइए, राम से मिलना और राम का दिल्ली जाना, पहले क्या हुआ है, राम से मिलना हुआ है कि राम से दिल्ली जाना हुआ है, मैं राम से मिल चुका था उसके दिल्ली जाने के पहले, तो पहले मिलना हुआ है और बाद में दिल्ली जाना हुआ है, तो एक नंबर होना चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट है मिलने का काम और दिल्ली जाने का काम सेकेंड पे है। ऐसे ही मोहन हैड लेफ्ट, मोहन जा चुका था बिफोर सोहन अराइव्ड, सोहन के आने के पहले, तो मोहन जा चुका था, मोहन चला गया, पहला एक्शन मोहन के जाने का हो गया और दूसरा एक्शन सोहन के आने का हो गया, तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में। आफ्टर आई हैड शट द डोर, आई ओपन द सेफ, सेफ मतलब अलमारी, तो दरवाजा बंद करने के बाद,
दरवाजा बंद करने के बाद, आफ्टर आई शट द डोर का होगा दरवाजा बंद करने के बाद, आई ओपन द सेफ मैंने अलमारी खोला। तो पहले क्या किया, दरवाजा बंद किया पहले, उसके बाद अलमारी खोला है। तो जो पहला एक्शन है यह दरवाजा बंद करने का, दूसरा अलमारी खोलने का, दूसरा सिंपल पास्ट में, पहला पास्ट परफेक्ट में है। राम हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, राम जा चुका था जब मैं पहुंचा। तो राम पहले चला गया फिर मैं पहुंचा, तो जाने का काम पहले हो गया है तो यह एक नंबर पे आएगा, और मेरे पहुंचने का काम बाद में हुआ है दो नंबर पे आएगा, और जो टेंस कह रहा है उस टेंस में ही है। यह है, ध्यान रखेंगे आप सब, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला प्रयोग। यहाँ पे पहला एक्शन कंप्लीट हो गया है तब दूसरा एक्शन हुआ है, इसमें पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में, थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, सेम पास्ट टेंस का एक सेंटेंस, सेम बात है, पास्ट टेंस का एक सेंटेंस रहेगा, दो एक्शन रहेगा, पहला एक्शन के तुरंत बाद इमीडिएटली को हमने पर्पल कलर से किया है, आप समझ सकते हैं यही चेंज है। पहला एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन टेक प्लेस करता है, दूसरा एक्शन घटित होता है, तो अगर तुरंत बाद दूसरा एक्शन होगा, पहला एक्शन के तुरंत बाद होगा, यहाँ पे इसमें था पहला एक्शन के बाद में दूसरा एक्शन हुआ है, तुरंत बाद की बात नहीं हुई, इमीडिएटली आफ्टर की बात नहीं हुई, खाली आफ्टर की मतलब गैप है, पहला एक्शन कंप्लीट होने पे दूसरा एक्शन हुआ और कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे गैप बहुत ही कम है, एक काम हुआ और दूसरा काम हुआ तुरंत ही, उससे एक काम होने के बाद ही दूसरा काम हो गया, टाइम बहुत कम, गैप कम रहा दोनों कामों के बीच, तो इसको कहेंगे पहला एक्शन के इमिडिएटली बाद दूसरा एक्शन टेक प्लेस करता है। और यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीशन भी लिखा नहीं है, जैसे कंप्लीशन के बाद ही दूसरा काम टेक प्लेस करेगा, तो पहला एक्शन के कंप्लीट होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन अगर टेक प्लेस करता है, तो इस स्थिति में जब तुरंत बाद टेक प्लेस करेगा तो दोनों टेंसेस को हमें लिखना पड़ेगा सिंपल पास्ट में। उसमें क्या था कि पहला एक्शन के कंप्लीशन के बाद दूसरा एक्शन होता है, तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में, दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में, लेकिन अब दोनों ही एक्शन को करना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस में। एक तो होता है इंडिकेटर, जैसे कि जस्ट, जस्ट बतला देते हैं कि हाँ जस्ट मतलब अभी अभी, अभी भी बोल दिया मतलब इमिडिएटली हो गया, यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन सारे में जस्ट नहीं होता है, तो आपको हिंदी मीनिंग निकालना पड़ता है और समझना पड़ता है कि यह इमिडिएटली बाद हुआ है। जैसे ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन ट्रेन गई बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन गई, यहाँ पे जस्ट है मतलब ठीक, यहाँ ठीक चाहे अभी भी, मेरे स्टेशन पहुंचने के ठीक पहले ट्रेन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी थी और आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं और ट्रेन चली गई है, ये हुआ है, मतलब ऐसे ही बहुत सा कम गैप रहा है, पहुंचने के ठीक पहले बोल रहा है ना, पहुंचने के ठीक पहले ट्रेन चली गई, तो यहाँ पे इसलिए इमिडिएटली बाद हुआ है, ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ और मेरे पहुंचने का काम बाद में हुआ, यहाँ पे स्पष्ट है, लेकिन ट्रेन का जाने और मेरे पहुंचने के बीच बहुत कम गैप है, मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ही था कि ट्रेन स्पीड पकड़ ली, मैं पकड़ नहीं सकता था, ये है इसका सीन। दूसरा, आई सील्ड द एनवेलप बिफोर आई हैंडेड इट ओवर टू मी, सॉरी आई नहीं है, राम, राम सील्ड द एनवेलप बिफोर ही हैंडेड इट ओवर टू मी, राम ने एनवेलप लिफाफा को सील किया, बंद किया, राम ने लिफाफा को बंद किया, बिफोर ही हैंडेड इट ओवर टू मी, इसे मुझे देने के पहले, लिफाफा को मुझे देने के पहले राम ने लिफाफा को सील किया, तो पहला काम लिफाफा को सील करना है, बंद करना है, दूसरा काम मुझे देना है। तो ऐसे आप जानते हैं लेटर्स नॉर्मली भेजते हैं चाहे किसी को देते हैं,
तो जिसको देना था वही पहुंच गया, तो उसने क्या किया कि फटाफट उसको सील कर दिया और फिर हैंडओवर कर दिया। तो यहाँ पे जो काम हुआ है सील करने का और देने का काम हुआ है, यह इसमें गैप बहुत ही कम है, इसलिए दोनों को रखा गया है सिंपल पास्ट टेंस में। अब देखिए, ही वॉश्ड हिज फेस एंड वेंट टू बेड। यहाँ पे सोने, ही वॉश, उसने अपना चेहरा धोया और सोने चला गया। तो ये क्या हुआ, जब जब दिन भर काम करते हैं, धूल वगैरह लगते हैं चेहरे पे जो शहरों में होता है, तो वहां पे सोने से पहले फेस वगैरह वॉश कर लिया और फिर सो गए। तो यहाँ पे काफी कम गैप रहता है, काफी कम गैप समझ में आ रहा है एक काम और दूसरे काम के बीच में, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इमिडिएटली बाद हुआ है, वॉश करने के इमिडिएटली बाद वेंट टू बेड, सोने मतलब सोने का काम हुआ है, इसलिए दोनों को रखा गया है सिंपल पास्ट टेंस में। तो आप मीनिंग निकाल कर समझेंगे, जहां पे क्लियर होगा, जैसे आई हैड लेफ्ट व्हेन, सॉरी, राम हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, राम जा चुका था व्हेन आई, जब मैं पहुंचा। इसमें क्या हो रहा है कि घर जहाँ पे राम का घर है वहां से राम जा चुका था और फिर मैं पहुंचा, तो न मैं राम को जाते हुए देख सकता था और न ही राम से मिल सकता था, मतलब राम के जाने का काम बहुत पहले हो चुका था और मेरे पहुंचने का काम बहुत बाद में हुआ। लेकिन वही अगर ट्रेन की बात करते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन यहाँ पे जा रही है और आप इधर प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं, तो ये है बहुत ही गैप कम है, इमिडिएटली बाद हुआ रहा है, ट्रेन पहुंच जाने के इमिडिएटली बाद ही मैं पहुंच रहा हूँ, इसलिए दोनों को कर देंगे सिंपल पास्ट में, और वहां पे जब क्लियर था तो पहले कर देंगे पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को सिंपल पास्ट में। तीसरा रूल पढ़िए, तीसरा रूल कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए है, शर्त वाले सेंटेंसेस के लिए है। जब सेंटेंसेस का प्रयोग, मतलब जब हम शर्त की बात करते हैं और वो शर्त फुलफिल नहीं हुई होती है, पूरी नहीं हुई होती, फुलफिल होना मतलब पूरी नहीं होना, तो उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब शर्त वाले सेंटेंस, फिर सुन लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त वाले सेंटेंस, शर्त होती है इसमें, और ऐसी शर्त जो पूरी नहीं हुई होती है, तो जो पूरी नहीं हुई होती है उसकी बाद बात करते हैं। पहले कंडीशनल सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से दिखलाते हैं, देखिए कैसे, और इन नॉट फुलफिल को लास्ट में समझ लेते हैं। इफ यू हैड आस्क फॉर हेल्प, यदि आप सहायता के लिए कहे होते या यदि आप सहायता मांगे होते, इफ यू हैड आस्क फॉर हेल्प, मतलब यदि आप सहायता मांगे होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं आपकी सहायता किया होता। यदि आप सहायता मांग, शर्त क्या है कि आपको सहायता मांगने पे मैं सहायता करूंगा, ये शर्त है। जिधर शर्त वाला पोर्शन होगा उसको हम बतलाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए यहाँ पे हैड है और वी थ्री है, तो इधर अगर आप सहायता मांगे होते, शर्त क्या है, सहायता मांगने पे ही सहायता करना है, नहीं मांगने पे नहीं करना है, तो यहाँ पे ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, इसलिए इसको हमने कर दिया पास्ट परफेक्ट में, और नेक्स्ट पोर्शन को वुड हैव और पी थ्री करना पड़ता है, तो आई वुड हैव आस्क, सॉरी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं आपकी सहायता किया होता। दूसरा, इफ यू हैड गॉन टू आगरा, अगर आप आगरा गए होते, यू वुड हैव सीन द ताजमहल, आप ताजमहल देखे होते। शर्त क्या है, आगरा जाने पे देखने को मिलता है, आगरा गए ही नहीं तो कैसे देखेंगे, तो ये शर्त वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें व्यक्त करते हैं पास परफेक्ट टेंस में। अब ये क्या कह रहा है कि कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, मतलब शर्त पूरा नहीं किया गया है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप सहायता मांगे होते तो मैं आपकी सहायता करता, मतलब सहायता मांगा नहीं तो सहायता नहीं किया, कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुआ है। फिर दूसरा, आगरा, अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देखते, आप आगरा गए नहीं ना ताजमहल देखे, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखते। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया होता है, तो वहां पे कंडीशनल वाले पोर्शन को करते हैं हम पास परफेक्ट टेंस में, देख रहे हैं,
और भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, इफ ही हैड मेट मी, अगर वह मुझसे मिला होता, ही वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, इफ ही हैड मेट मी, अगर वह मुझसे मिला होगा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता किया होता, या तो फिर से, अगर वह मुझसे मिला होता तो मैं उसकी सहायता करता चाहे किया होता, यहाँ पे देख सकते हैं करता आज चाहे होता, कुछ भी कह सकते हैं। नाउ इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर वह मुझे सूचित किया होता तो आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहां गया होता। इफ सी हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आती तो आई वुड हैव गिवन हर गिफ्ट, तो मैं उसे एक उपहार देता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रयोग, और जहां पे कंडीशन है वहां पे V3 मतलब दैट इज V3 है और हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। एक एडिशनल इसमें जानकारी है कि जहां जहां पे इफ है ना, इफ को हटाकर भी आप इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल कर, इफ हट गया हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला और जो बचा वैसे लिख दिया, जैसे कि हैड ही मेट मी कमा आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ऐसे। तो इसका भी मतलब वही है और यह भी कंडीशनल सेंटेंस है और यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि यहाँ पे हैड है और V3 है। तो दो तरह से लिखा जाता है इसे, इफ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, चाहे हैड ही मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, सब में इफ को हटा दीजिए, हैड को डाल दीजिए और जो जैसे बचा है वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे भी हो जाएगा, हैड ही इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो और तरीका है इसे लिखने का, आप इस पोर्शन को कमा के बाद के पोर्शन को पहले लिखिए, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता किया होता। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हैड ही मेट मी, यदि वो मुझसे मिला होता। तो इस तरह से हैड कर सकते हैं, चाहे इफ वाले पोर्शन को भी यहाँ पे वैसे ही डाल सकते हैं, इफ ही हैड मेट मी। तो कोई भी अगर कमा के बाद वाला पोर्शन पहले रख रहे हैं तो उसको पहले रखकर कमा हटा दीजिए और कमा के पहले वाले सारे पोर्शन को वैसे ही लिख दीजिए। अगर हैड शुरू कर रहे हैं तो हैड वाला पोर्शन, या इफ से शुरू कर रहे हैं तो इफ वाला पोर्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया कंडीशनल का पूरा एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि अगर हम वर्ब्स की कुछ बात कर लेते हैं, वर्ब्स जैसे कि होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, मीन, सपोज, वांट। होप का मतलब आशा करना, एक्सपेक्ट का मतलब ही आशा करना, दोनों का होता है आशा करना। थिंक का मतलब सोचना, इंटेंड और मीन दोनों का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है इरादा करना, इरादा। सपोज मतलब मान लेना, वांट मतलब चाहना। ये 7 जो वर्ड्स है ना, 7 वर्ड्स को एक कोड बना दिया, इसको कहेंगे विश मेट। W फॉर विश, I फॉर इंटेंड, S फॉर सपोज, ऐसे ही विश मेट, सब किसी ना किसी का एक वर्ड है, 7ों का फर्स्ट लेटर्स को ले, फर्स्ट लेटर को लेकर हमने विश मेट कोड बना दिया। तो ये विश मेट वर्ब्स रहेंगे, विश मेट्स मतलब ये सारे 7ों वर्ब रहेंगे अगर सेंटेंस में, और इनसे हम यदि होप, इंटेंशन, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, होप मतलब आशा, इंटेंशन मतलब इरादा, डिजायर मतलब इच्छा, एक्सपेक्टेशन मतलब चाहत। आप देख रहे हैं ये सब चाहत जैसा ही एक मिलता जुलता ही कुछ है, मतलब होप मतलब आशा करना, यहाँ पे होप मतलब आशा, इंटेंशन मतलब इरादा करना, यहाँ पे इंटेंड एंड मीन का मतलब इरादा, इंटेंशन मतलब इरादा और यहाँ इंटेंड और मीन का मतलब इरादा करना, डिजायर मतलब इच्छा, तो यहाँ पे वांट है ही।
एस्पिरेशन मतलब चाहत, यहाँ पे वांट है ही। तो ये सब वर्ड्स रहेंगे जहां से हम या तो होप या इंटेंशन या डिजायर या एक्सपेक्टेशन व्यक्त करेंगे। ये वर्ड उसके बाद नहीं रहेंगे उस सेंटेंस में, होप नहीं रहेगा दोबारा, इंटेंशन या डिजायर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, लेकिन इस सातों में से कोई वर्ब रहेगा जिनका मतलब होप होगा, चाहे इंटेंशन होगा, चाहे डिजायर होगा, चाहे एक्सपेक्टेशन होगा, बतलाना। इसे बोलेंगे चारों को हाइड, बोल सकते हैं हाइड, बतलाना होगा हाइड में से कोई एक, तब तब इन वर्ब्स को, जो सात वर्ब्स है ना विश मेट, सात वर्ब्स का प्रयोग पास परफेक्ट टेंस के साथ ही होना चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल में देखिए, पहला में होप व्यक्त किया गया है, होप्ड तो है भी, होप्ड से भी होप व्यक्त किया गया, ये भी समझ सकते हैं। मिंट में यहाँ इरादा व्यक्त किया गया है, एक्सपेक्टेड में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन व्यक्त किया गया है, वांटेड में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन व्यक्त किया गया है, और यहाँ पे थॉट है, मतलब यहाँ पे देखे टी है ना थिंक, तो थॉट में यहाँ पे डिजायर व्यक्त किया गया है। कैसे मीनिंग निकालते हैं, राम हैड होप्ड दैट शीला वुड कम हियर, राम ने आशा किया था कि शीला यहाँ आएगी। तो यहाँ पे होप्ड का मतलब आशा किया, और आशा की ही बात चल रही है, इसलिए यह हो गया है पास्ट परफेक्ट में। नीलम हैड मीन्ट टू सी मीरा, मीन का मतलब इरादा करना, तो नीलम ने इरादा किया था मीरा से मिलने का, तो यहाँ पे मीन्ट का मतलब मिलना इरादा ही है, तो इरादा व्यक्त हो रहा है। यहाँ पे जो चार लिखा ना, होप इंटेंशन डिजायर एक्सपेक्टेशन, ये वर्ड आएगा नहीं, ये मीनिंग रहेगा इन सातों वर्ड्स का, जब हम यूज करेंगे उसमें से, इनमें से किसी ना किसी का मीनिंग रहेगा। तो डेफिनेटली आप देख भी रहे हैं कि होप से होप मिल रहा है, फिर इंटेंशन से इंटेंट और मीन से इंटेंशन मिल रहा है, वांट दो को बता रहा है, वांट से डिजायर भी हो रहा है, वांट से एक्सपेक्टेशन भी हो रहा है, तो ये सब रहेगा तो अपने आप हो जाएगा। तो एक तरह से कहे कि अगर होप एक्सपेक्ट थिंक मीन इंटेंट मीन सपोज वांट का प्रयोग करना हो, तो हमें इनको, इनका जो मीनिंग होता है उसके लिए ही प्रयोग करना है, तो हमें पास परफेक्ट में प्रयोग करना चाहिए। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट, मैंने उसकी अपेक्षा नहीं की थी। तो यहाँ पे इच्छा चाहत की बात हो रही है। आई हैड वॉन्टेड फॉर हेल्प, मैं सहायता करना चाहता था, यहाँ चाहत की बात हो रही है। मीरा हैड थॉट फॉर हेल्पिंग मी, यहाँ पे एक तो थिंक आ गया है और थिंक से हेल्प की बात चल रही है। देखिए यहाँ पे है थिंक भी आया है और हेल्प भी आया है, तो इधर मीरा हैड थॉट, मीरा ने सोचा था, यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैड होगा, मीरा हैड थॉट, मीरा ने सोचा था मेरी सहायता करने का। तो यहाँ पे विश मेट वर्ड, और विश मेट से अगर होप इंटेंशन डिजायर एक्सपेक्टेशन अर्थात हाइड में से कोई भी भाव व्यक्त होता है, तब विश मेट वर्ब्स का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। तो इतना ही है इस लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।